हेलो एवरीवन, आज हम लोग लास्ट पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। ये आपका पेपर आईडी है 14-12-001। तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और अच्छे से इसको क्वेश्चन देखते जाइएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको नया थोड़ा दिखेगा। देखने का मतलब ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि ध्यान से देखिएगा, और कोई रीजन नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और आपका शायद कल ही पेपर है, तो आप पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। तो ये पेपर आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट टाइम पे या फायर मोमेंट बोल सकते हो या लास्ट मोमेंट बोल सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे जो मैं छक्का मारता हूँ या मेरे कुछ बताने से आपको आपका भला हो जाता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पेपर आईडी है 14-12-001। पहले पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ M/10 H2SO4। तो यहाँ स्मॉल m छप गया है, वहाँ स्मॉल m नहीं होना चाहिए, वहाँ कैपिटल m होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ N/20 सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, या बोल सकते हो 250 ml में N/20 सोडियम कार्बोनेट के विलयन में उपस्थित निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की गणना करना है कि कितना हम लोग इतने सोल्यूशन में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी निकालना है, पहला है। तो यहाँ पे आपको दिया है M/10 H2SO4, ठीक है। M/10 दिया है तो इसका मतलब ये मोलरिटी दिया है, और आपको पता है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बैलेंसी। यहाँ बैलेंसी आपको नहीं दिया है, तो बैलेंसी आप क्या करोगे, निकालोगे। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप तोड़ो, तो ये हो जाएगा 2S+ SO4 2-। तो यहाँ पे आपको बताया था, कई बार बताया हूँ, कि जब वो आयन्स के फॉर्म में टूटता है तो उसकी बैलेंसी क्या होती है, जितना उस पर आयन लगा होता है वही उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ 2+ लगा है, 2-, लगा है, तो मतलब 2+ है आपके पास, चार्ज जो है वो 2+ है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, या उसी को हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू बैलेंसी, ठीक है। तो मोलरिटी इंटू बैलेंसी का मतलब मोलरिटी आपको यहाँ 1/10 दिया है, इंटू बैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। तो 1/10 ये 2 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.2, और 0.2 यहाँ कैपिटल एन लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.2 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी अमाउंट, ठीक है, ये नॉर्मलिटी आपको दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, और कितना अमाउंट ये पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंसी वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे नॉर्मलिटी का पूरा फार्मूला लगाते हो, इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास, तो ये ऐसे लिखना है। उसका फार्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट आपको उस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ जिस फॉर्म में आप, जैसे मास दिया रहता है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन किस में होना चाहिए, लीटर में, और यहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंसी, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते जाइए यार, क्वेश्चन देखो, लगाने में तभी मजा आता है जब आप क्वेश्चन में भी आप जवाब देते रहते हो। जैसे कुछ बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, कल बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। जैसे एक शिवम करके लड़का था और एक अमर करके लड़का था। तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट में भी आपका नाम देखे कि आप लोग भी कुछ कर रहे हो, ये नहीं कि बस आराम से खाना खा रहे हैं और नोट नहीं कर रहे। नोट करते चलोगे, आपकी प्रैक्टिस, और आपको बार बार बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में जाके अच्छा और जल्दी, मतलब क्योंकि पेपर जो होता है आपको बहुत लंबा होता है, सबसे मतलब पूरे आप उसमें देखोगे तो सबसे बड़ा जो सिलेबस भी है आपका केमिस्ट्री का है, और सबसे लंबा पेपर जो बनता है वो केमिस्ट्री का बनता है,
आप देखोगे एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आने का मतलब बोल दिया मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन बताइए। फिर उसके बाद पूछ लेता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल। यहाँ एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दे रहा, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए जब तक आपकी स्पीड नहीं रहेगी, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस ये हो जाएगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो क्वेश्चन ना छूटे इसलिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्मी बहुत है, आपको पता ही है कि पंखा वगैरह नहीं चला सकता, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो यहाँ पे इसका इमेज बनता है, और दूसरा नंबर अगर दूसरा नंबर उसकी आवाज भी आती है। तो इसीलिए गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट डाल के कहीं नोट करते चलिए, नोट करोगे तो आपका फायदा होगा, इसमें मेरा नहीं कि नोट कर लो आप नोट करोगे तो हमारा फायदा है, हमारा फायदा नहीं आपका फायदा है। तो आपका फायदे आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है, आप अच्छा नंबर लेके आओगे, और आपके बोला भी गया है कि जो टॉप थ्री आएंगे उनको रसायन एकेडमी की टी शर्ट दी जाएगी, तो आप टॉप थ्री में आने का प्रयास तो करिए, एक बार प्रयास करके तो देखिए, क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए कि टॉप सिक्स को दे दूं, तो आप टॉप सिक्स में आ जाइएगा, लेकिन अभी टॉप थ्री के लिए ही है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में टॉप थ्री, अदर सब्जेक्ट से नहीं मतलब है, केमिस्ट्री में टॉप थ्री आओगे तब देखिए। यहाँ नॉर्मलिटी है, मास कितना दिया हुआ है हमको निकालना है, और नॉर्मलिटी हमको कितना दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले को चेंज कर लेते हैं, मास इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मास हमको निकालना है ना, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपान मास, अपान क्या हो जाएगा, बैलेंसी हो जाएगा, बैलेंसी, ठीक है। यहां नॉर्मलिटी आपको दिया, नॉर्मलिटी कितना दिया है, एम बाई, ये नॉर्मलिटी आपको क्वेश्चन में दिया है एन बाई ट्वेंटी, एन बाई ट्वेंटी दिया है, ठीक है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी की जगह पे एन अपान वन अपान क्या हो जाएगा, 20 इंटू वॉल्यूम कितना, मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका 106 होना चाहिए, Na2CO3, तो ये सोडियम 23 × 46, 23 × 2 + 12 + 16 = 48, या ऐसे 16 × 3 कर लो, तो ये कितना 46 + 12 + 48, तो 48 × 12 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 × 40 = 100 और 6 = 106 आ गया, ठीक है। ये किसका है, 106 मॉलिकुलर वेट। अब यहाँ ये n बाई 20 का मतलब ये नहीं है कि n बाई 20 इक्वल टू 106 आया है, n बाई 20 ये आपको नॉर्मलिटी दिया है, ये आपका है मॉलिकुलर वेट एम डब्ल्यू कितना है 106, तो यहाँ पे क्या करोगे 106 अपान क्या हो जाएगा, बैलेंसी इसका निकालोगे, यहाँ तोड़ोगे एन ए टू को क्या तोड़ोगे, तो आपका क्या आ जाएगा 2 Na+ + CO3 2-, तो यहाँ भी आपकी बैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ अपान 2 इंटू क्या दिया है आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा 250 ml दिया है, तो हमको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हम अपान में क्या कर दे रहे हैं 1000 कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने पे ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 × 25 = 100, और फिर बचा ये 4 × 8 और 20 × 2 = 16, 106/160। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 0.6625 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए,
हो गया, आगे बढ़ें। देखिए ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत मैं किया हूँ और उससे ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, और मेहनत करने के बाद अगर आप कुछ गड़बड़ करके आते हो तो इसका मतलब आप में कमी है, हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि आप में कमी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब तभी अच्छा होगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा किए होंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमको सब कुछ आ रहा है और जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो। और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, पेपर आसान आ जाता है। पेपर आसान आ जाता है तो आप खुशी के मारे इतना ये खुशी ना हो जाओ कि क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ, होता है ऐसे ही। एक बार आया था 2021 वाले पेपर में था, तो पेपर इतना आसान आ गया, केवल एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी पेपर इतना आसान आ गया कि बच्चे इतना खुश हो गए कि खुशी के मारे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। तो आप इतना खुश मत हो जाइएगा कि क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप आराम से करोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हिच आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना है कौन सा है। मतलब पहले डिफिनीशन पूछा है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का, फिर उसके बाद पूछ रहा है ये जो दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन दी हुई है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताना है आपको कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तीनों रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर एक एक का हम लोग करेंगे। MnO2 प्लस 4HCl। आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग कमेंट बाद में करते हो जब मैं आंसर निकाल देता हूँ, कुछ लोग का तो कमेंट देखता हूँ बाद में आता है, जब मैं आंसर निकाल देता हूँ तो वही देख के, और कुछ तो हैं जल्दी टाइम से निकाल देते हैं, अच्छा लगता है। आप लोग भी अब देखिए वहाँ पे आपको भी खुशी मिलेगी कि आपका एक बार यूट्यूब पे नाम अनाउंस होगा कि हाँ इन्होंने अच्छा बताया, तो आपको भी आप बोल सकते हो कि देखो मेरा नाम बोला गया। जैसे सीओम यादव सिविल सिटी, और फिर अमर है आपका अमर उस सिविल PHE, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है ना कि हाँ नाम मेरा बोला जा रहा है। और एक दो लोग हैं वो तो केवल आते हैं कमेंट करने, अटेंडेंस ईयर, तो अटेंडेंस ईयर रविंद्र कुमार आप पढ़ लीजिए, अटेंडेंस ईयर करने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ लीजिए ज्यादा ध्यान ज्यादा सही रहेगा। उसी में है एक सिविल सिटी के ही है, तो वहाँ कमेंट करने मत आइए ऐसे कि अटेंडेंस ईयर, अटेंडेंस ईयर के बजाय आप थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन पे। SnCl2, कल वाली क्लास में मैं इसलिए कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मंगलवार था, मुझे भी डर था कि किसी का मैं कुछ नुकसान न कर दूं। SnCl4, कम चल रहा है चाक। SnCl4 प्लस 2FeCl2 तीसरा है, 2CuSO4 प्लस 4Ki, ये हो जाएगा 2CuI प्लस 2K2SO4 प्लस I2, ठीक है। सब में अलग अलग बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए पहला है MnO2 से MnCl2, MnO2 से MnCl2, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग यहां से Cl पे जाएंगे। तो पहले यहां हम लिखते हैं पहले वाले में MnO2 से MnCl2, और दूसरा क्या हो जाएगा
HCl से Cl2, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहले का दूसरा है, दूसरे में देख लीजिए, SnCl2 से SnCl4, और इसका सेकंड पार्ट है 2FeCl3 से 2FeCl2, थर्ड है 2Cu। ऐसे इस फॉर्म में आप करके तब बताओगे, नहीं आप डायरेक्ट ऐसे लिख के करोगे तो गड़बड़ होगा। आप ऐसे इस फॉर्म में करोगे, इस फॉर्म में करने के बाद तब यहाँ बताओगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, या जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो बताना है। CuSO4 है और प्लस 2CuI, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ SO4 है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। बस यहाँ K देख रहे हैं, K2, ये भी 4K है, इस वाले का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। इस वाले से इसको हम लोग ले जा सकते हैं और इस वाले से इस वाले I2 का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे, एक Cu2 प्लस बना रहा है, पहले इसका मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, कहाँ दिया CuI, और दूसरा अब इसका तोड़ के लिखोगे Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस से Cu प्लस, ठीक है। 2-2 कैंसिल हो जाएगा, Cu से Cu बचा है, ठीक है। तो यहाँ Cu2 प्लस है, यहाँ Cu प्लस है, और दूसरा इसी का I2 से Ki दिया है ना, यहाँ देखिए Ki दिया है, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो Ki से आपका क्या है I2। ठीक है, अब इस पे हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ के आई को हम क्या लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हो के प्लस प्लस आई माइनस, ठीक है। तो आई माइनस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आई टू पे जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले ये MnO2, तो यहाँ पे MnO2 यहाँ कितना है आपका प्लस फोर बना रहे हैं ना, Mn पे प्लस फोर बना रहा है, यहाँ देखिए प्लस फोर है, ये ऑक्सीजन का माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा प्लस फोर, और यहाँ क्या है Cl का -1 तो प्लस टू, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। बट हमको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में बताने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो ये हमारा रिडक्शन हो रहा है इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, 4HCl है, 4HCl से Cl2 बना रहा है। अब यहाँ देखेंगे H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ Cl क्या है -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, Cl2 है, ठीक है। Cl2, अब देखिए मैं आपको बताया था ना कि जब भी आप क्या करोगे, मतलब सिंगल हो, सिंगल का मतलब आप अकेले हो तो किसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैं बताया था ना कि अगर शादी वगैरह हो जाती है तो आप स्टेबिलिटी खोजते हो, स्टेबिलिटी खोजने का मतलब आपकी मान ली वाइफ जो है वो इतने हजार 20,000 30,000 कमा रही है, आप कुछ नहीं कमा रहे हो, केवल घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, तो वहां की कंपेयर में आपकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने का मतलब उससे आप कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ कंपेयर कर रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी ये है -1 है, -1 का मतलब कुछ नहीं कर रहा है, एकदम निठल्ले हो, लेकिन यहाँ पे तुमसे कंपेयर किया जाएगा तो उसका 0 पे है, 0 का मतलब -1 से
वो कुछ आगे है या कुछ ज्यादा है, ठीक है। ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद SnCl2 से SnCl4, SnCl2 देखिए यहां पे Sn का प्लस टू बना जाएगा, यहां पे प्लस फोर, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, FeCl3 मतलब यहां प्लस थ्री बना रहा है, Fe का प्लस थ्री बन रहा है, यहां पे प्लस टू, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने का मतलब प्लस थ्री का मतलब ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालोगे, ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड है, ठीक है, फेरस है ये फेरिक है, तो फेरिक पे प्लस थ्री होता है, फेरस पे प्लस टू होता है, तो यहाँ तीन से दो पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद यहां पे आ जाइए इस वाले में, कॉपर से कॉपर प्लस बना रहा है, ठीक है, यहां पे इसको तोड़ के लिखोगे तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां 2 से 2 चाहे इसको कैंसिल कर लोगे, तो यहां पे Cu2 प्लस बना रहा है, और Cu2 प्लस से Cu प्लस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद यहाँ I माइनस है, I माइनस से I2 है, I माइनस मतलब ये मान लीजिए मजनू भाई है, मजनू भाई मतलब समझ गए ना, मजनू भाई, अरे आप लोग कमेंट में बताओ कौन मजनू भाई का मतलब कौन हुआ, किसका नाम लिया जा रहा है, बताइए। अरे मजनू भाई मतलब नहीं समझे, उदय प्रताप मजनू भाई, ये मान लीजिए मजनू भाई है, ठीक है, आई माइनस और ये आई टू है, तो आई माइनस का मतलब ये मजनू भाई हो गए, और इनकी जिससे भी फ्यूचर में अगर कभी भविष्य में अगर शादी होती है, या अभी अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन भविष्य में अगर होती है तो ये इनकी वाइफ हो गई, तो ये माइनस है और ये जीरो है, तो जीरो का मतलब इनसे ज्यादा स्टेबल रहेगी मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लगता है, तो फिलहाल मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ ऐसे कि मान लीजिए सपोज करने में क्या जाता है, मैथ वाले हैं आप अच्छे से सपोज करना जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस और ये आई टू है, आई माइनस से आई टू पे जा रहे हो, तो इसका मतलब जीरो, ये ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी से नोट करिए, और आप लोग खाना बनाते बनाते इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए, खाना वगैरह पहले ही बना लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा, बार बार बता रहा हूं, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पेपर में आता रहता है और आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और कुछ देख के जाइएगा या मत जाइएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, और कल वाला पेपर भी, क्योंकि जब मिलेगा पेपर ना तब समझ में आएगा, काश देख लिए होते, तो ये काश वाला शब्द ना आए,
पिछले सेमेस्टर का रिकॉर्ड रहा है। कुछ बच्चे क्या किए, लास्ट मोमेंट पे वो पेपर देख के चले गए और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, 43 नंबर पाए थे। थियरी वाला रहता है पोर्शन, इस वजह से 42-43 अगर न्यूमेरिकली रहे तो 50 नंबर में 48-49 तो आराम से मिल जाए, लेकिन थियरी में गड़बड़ हो जाता है, इसी वजह से 45-46 नंबर हाईएस्ट जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एकदम रट गया है, इतनी बार बता दिया हूँ, मुश्किल से 6-7 सेकंड में बोल दिया हूँ, 6-7 सेकंड में बोलने में हालत खराब हो जाएगी, तो आपको रटा रहेगा तभी हो पाएगा। दूसरा कह रहा है डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन, एक्सप्रेशन बोल रहा है तो इसका मतलब स्थापना करना है, स्थापना करने का मतलब के पी N2+3H2 के लिए N2+3H2 2NH3। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब बोल रहा है केपी की रिएक्शन को आप क्या करिए, इसमें डेराइव करना होता है। तो अदर देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि केपी की वैल्यू निकालना है तो आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो ये हो जाता है कि आपको इसी फार्मूले का मतलब इसी को करके आप एक केवल केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 ऐसे करके NH3 का स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, ये एक होता है, और एक होता है इसमें पार्शियल प्रेशर निकाल के उसका दाब वगैरह यूज करके हम लोग निकालते हैं तो उसमें कुछ और आता है। तो मैं वो वाला पोर्शन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पूछने का मतलब यही है, बाकी हो सकता है आपको शॉर्टकट में। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या करिएगा, जब मैम आए या सर आए तो उनसे क्या करिए, पूछ लीजिए कि सर ये इसमें क्या करना है। वैसे आप सिंपल वाला करिएगा, सिंपल वाले का मतलब जो अभी बता दे रहा हूँ उसको भी कर दीजिएगा आर करके, अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप इसको करिएगा जो मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा हो तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला करने का मतलब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको के पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 into पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये करना है, और दूसरा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो आपको क्या करना होता है, उसमें सीधे आप क्या करोगे, उस वाले इक्वेशन में सीधे आपको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर निकाल के वैल्यू पुट कर देना है। तो पहले आप इसमें आप जैसे लिखते हो इनिशियल पे मोल नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 3 मोल, यहाँ 0, 1 इसलिए लिखा है यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखोगे, यहाँ 3 लिखा है 3 लिखोगे, पहले से हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो यहाँ दिया रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे मोल क्या हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू एक्स 3 माइनस 3 एक्स और 2 इंटू एक्स ये हो गया। अब आप क्या करोगे, टोटल मोल ऐड कर दो, टोटल मोल्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स। देखिए जो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये यही होता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि केपी का व्यंजक, व्यंजक नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछते कि इसमें केपी का ये एक्सप्रेशन निकालिए, एक्सप्रेशन मतलब ये वाला एक्सप्रेशन केपी का, ये जो दिया हुआ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन निकालिए, तो यहाँ भी वही बोल रहा है लेकिन यहाँ बोला डेराइव द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन वो अलग हो जाएगा, डेराइव करना है तो डेराइव, ये डेराइव थोड़ी हुआ है, ये तो बस आपने क्या किया रख दिया है, डेराइव का मतलब वो आपको पूरा ये जो आपको बताने चल रहा हूँ ये होता है, लेकिन अब यहाँ का सिस्टम क्या है मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि
पहले इसको कर दीजिएगा, फिर उसके नीचे ये वाला पोर्शन करके दिखा दीजिएगा, कि ये ना हो कि आपने किया नहीं है और नंबर कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 4 माइनस यहाँ कितना बचा, 4x और 2x बचा, तो 4 माइनस 2x बचा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, टोटल मोल। अब पार्शियल प्रेशर आप N2 निकालोगे या NH3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल अपान मतलब जितना आपको जैसे होता है ना पार्शियल प्रेशर निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो दिया हुआ है, दो कोई है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो, एक कान है एक आंख है, मतलब एक कान एक आंख का मतलब ये नहीं बात कर रहे हैं, बस कंपेयर कर रहे हैं कि एक कान दे दिया गया एक आंख दे दिया गया, या उसको छोड़िए एक कान, आपके पास दो सामान है। ठीक है, दो सामान का मतलब दो पार्ट है या दो बॉटल मान लीजिए, एक में जितना सोल्यूशन है और दूसरे में कितना सोल्यूशन है अपान टोटल मतलब दोनों बॉटल में मिला के कितना सोल्यूशन है। तो मान लीजिए अगर पहले बॉटल का निकालना हुआ तो पहला बॉटल अपान पहला प्लस दूसरा बॉटल, और अगर दूसरे बॉटल का निकालना हो मोल फ्रैक्शन तो दूसरा बॉटल अपान पहला प्लस दूसरा, ये करना है बस। आंख वाँख से कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या है। तो ये पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x अपान 4 माइनस 2x इंटू पी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये अभी इसका कोई मतलब नहीं है कि जो ये स्क्वायर करते हैं तो वो फार्मूले में रखोगे तब, अभी तो हम क्यों लिए निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। एन टू का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपान 4 माइनस 2x इंटू पी, पी इंटू एस टू का निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स 3 माइनस 3x अपान 4 माइनस 2x इंटू पी। ये हो गया, अब इसको ले जाके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो एक बार पुट, ये तो पहले हमने बता दिया कि एक बार इसको कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इसके नीचे ये वाला करिएगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केपी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2x अपॉन 4 माइनस 2x इंटू पी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपान 4 माइनस 2x इंटू पी, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x अपान 4 माइनस 2x इंटू पी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर दिए अच्छे से तो आपका आंसर सही आ जाएगा। सॉल्व करना ही बड़ी बात है, क्योंकि लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कॉमन वगैरह लेने में दिक्कत कर देते हैं और फिर आंसर नहीं आता है। तो आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए 2x है तो 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर हो गया इंटू पी स्क्वायर हो गया अपान 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स इंटू पी अपान 4 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 3x का होल क्यूब अपान 4 माइनस 2x का होल क्यूब इंटू पी क्यूब। ये पी था ना, तो पी क्यूब कर दिया। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया यहाँ से क्यूब वाला हटा के, तो यहाँ पी बचा ये पी बचा, यहाँ पी क्यूब प्लस इंटू पी, ये पी के पावर 4 हो गया, पी के पावर 4 में से अगर 2 हटा देंगे तो 2 बचेगा अभी आपके पास, 4 माइनस 2x का स्क्वायर ये कैंसिल कर दीजिए, ये पावर हटा दीजिए, अभी 2 बचा हुआ है और ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस x
इनटू, अब यहाँ देखिए अगर थ्री कॉमन ले लीजिए, थ्री कॉमन ले लोगे तो थ्री वन माइनस एक्स बचेगा, तो वन माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, और ये थ्री का क्यूब करोगे तो ये 27 हो जाएगा, इंटू 27 इंटू वन माइनस एक्स का क्यूब इंटू पी स्क्वायर। ठीक है, ये पी बचा था, ये पी बचा था, तो पी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इधर साइड कर ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर था, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे ये क्या बचेगा, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x आ जाएगा, और 2 कॉमन लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 यहाँ क्या आ गया, 16x स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 27, आगे कर लीजिए 27 इंटू, अब ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स का क्यूब है, तो 1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू पी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, या इसी को हम लोग के पी बोलेंगे। ये एक्सप्रेशन निकालना होता है, चाहे आप देखोगे जेई मेंस वगैरह में ये एक्सप्रेशन देता है आपके ऑप्शन में, ना कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो आसान है, ये तो हर बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है, जो आपका 10th 11th में है वो भी जानेगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पे है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है 25 डिग्री ऑफ, ये कह रहा है सॉल्वेबिलिटी ऑफ BSO4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2.33 × 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ml, कैलकुलेट इट्स सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसका फार्मूला निकालोगे। फार्मूला निकालने के बाद आप क्या करोगे, बस वहां देखिए 100 ml बोला है, ठीक है, पर 100 ml बोलने का मतलब वहां अपान में है, अगर उसी में हम लोग 1000 से 1 per 100 ml दिया है तो वहां हम लोग को पर लीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो पर लीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पहले BSO4 की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। BSO4 ये हो जाएगा Ba2+ प्लस SO4 टू माइनस। अब यहाँ स्टार्टिंग में 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0, 1 माइनस S हो जाएगा, यहाँ भी S हो जाएगा। अब आपको क्या पता है कि KSP इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 टू माइनस। इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या है, S दिया है इंटू S, ये क्या हो गया S स्क्वायर, KSP इक्वल टू S स्क्वायर आ गया। अब आपको KS क्या दिया है क्वेश्चन में, विलेयता मतलब सॉल्वेबिलिटी ये दिया है, बस इसी की वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 2. कितना दिया 33 इंटू 10⁻⁴ दिया है ग्राम पर 100 ml, ग्राम पर 100 ml दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने का मतलब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग
अगर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे क्या करें, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 10 से, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो 10 से ऊपर कर दीजिए, 10 से नीचे कर देंगे, तो 10 से यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 यहां ये हो जाएगा, 10 यहां भी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये तो अभी एक आया, ऐसे ही एक और आएगा 2.33 × 10⁻⁴ ग्राम पर 100 ml। हमको लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हो 2.33 × 10³⁻³ ग्राम पर लीटर इंटू 2.33 × 10⁻⁴ ग्राम पर लीटर, ये आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और ये ग्राम पर लीटर को अगर हम चाहते हैं तो ग्राम पर लीटर को हम लोग मोल पर लीटर में चेंज कर लेंगे। मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम से मोल में जाओगे तो डिवाइड कर दीजिए, मोल से ग्राम में जाओगे तो मल्टीप्लाई किया जाता है मॉलिकुलर वेट से, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे क्या आता है पहले उसको देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, या इसी में सीधे इसको भी यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दो बार लिखा है ना, तो ये आ जाएगा 2.33 × 233, ये हो जाएगा × 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू 2.33 / 233। BSO4 का निकालोगे तो 233 आएगा × 10⁻³ मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर में आपका चेंज हो गया है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अब यहाँ देखोगे 0.1 आ रहा है ना, 0.233 × 10⁻⁰ ये आ गया × 10⁻³ × 0.01 × 10⁻³ मोल पर लीटर के पावर 2 हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर 2, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10⁻²² हो जाएगा, 10⁻², तो 10⁻⁶ हो गया, ये भी -6 हो जाएगा, सिक्स नहीं फाइव, 10⁻⁵ × 10⁻⁵, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ × 10⁻⁵ मोल पर लीटर के पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻ मोल पर लीटर पावर 2, ये आपका क्या आया, KSP, इसको नोट कर लीजिए। अब ये BSO4 को आप देखोगे तो यहाँ बेरियम का कितना दिया है, दिया नहीं है, ठीक है, अगर दिया नहीं है तो आप इसमें ना ही चेंज करेंगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है, अगर दिया नहीं है, कभी कभी क्या होता है दिया रहता है नहीं दिया है, लेकिन आप इस तरह भी करोगे आपका आंसर सही माना जाएगा, कि एसपी है मोल पर लीटर में निकालिए, ठीक है। अगर उस तरह नहीं आता है तो सीधे आप क्या करोगे, ग्राम पर लीटर में निकाल दीजिएगा, ग्राम पर लीटर का मतलब यहां तक आप लिख दोगे आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला एक ये आंसर हो जाएगा, अगर आपसे ग्राम पर लीटर में चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है तो ये निकालिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, और अगर चेंज करने के लिए बोल दिया है तो ये मोल पर लीटर में ये आ जाएगा आपका आंसर, जल्दी से नोट करिए इसको। बहुत तेजी से नोट करिए,
हो गया। और एक चीज और है, आप लोग अगर मान लीजिए कभी कभी आ जाता है तो आप गड़बड़ करके आते हो, एसीटोन का फार्मूला नहीं पता है, या आपको क्या नाम है एसिटिक एसिड का फार्मूला नहीं पता है, पेपर में आ जाता है, फिर मुंह बना के बैठे रहते हो सर ये इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आपको दे देता है कोई कोई तो उसमें, या फिर आपको दे दिया कि उसका ऑक्जेलिक एसिड का, तो COOS का होल ट्वाइस होता है इंटू 2H2O होता है, वो 2H2O कब होता है जब आपको क्रिस्टल के फॉर्म में दिया रहता है, या उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट 126 दिया रहता है। वैसे COOS का होल ट्वाइस करोगे तो 90 आता है, और उसे में इंटू 2H2O कर दोगे तो वो क्या हो जाता है 126 आता है। आप ऐड करके देख लीजिएगा, ये कार्बोक्सिलिक वाला तो जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ये एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3 होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि CH3COCH3 का उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के चेक कर लीजिएगा एक दो बार, या आप एसिटिक एसिड का निकाल के चेक कर लीजिएगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका निकाल के चेक कर लीजिए, या सोडियम बाइकार्बोनेट दिया उसका निकाल के चेक कर लीजिए, वो ऐसे बताया हूँ अभी, उसका 106 आता है सोडियम कार्बोनेट का। आपसे पेपर में आ जाए तो आप ये ना कहिए कि सर ये इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पूछने पर एकदम समझ लीजिए मूड खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट नेक्स्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विभव ज्ञात करने के लिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन क्यों पूछा है, डेराइव नहीं करना है, जब डेराइव बोलेगा तभी आपको डेराइव करना है, तो केवल इक्वेशन पूछा है तो आप केवल इक्वेशन बताओगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बता दे रहा हूं, इन आर्ट सेल पहले, इन आर्ट सेल इक्वल्स टू इन आर्ट कैथोड माइनस इन आर्ट एनोड, और दूसरा क्या हो जाएगा ई सेल, यहां नीचे नेक्स्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट इक्वेशन ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग ऑक्सीडेशन अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ये तब होता है जब स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये आपका क्या होना चाहिए, आपका जो टेम्परेचर होता है टी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन अगर 1 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और जब 0 आ जाएगा तो ये E0 सेल के बराबर हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये रहना चाहिए, ठीक है, या रूम टेम्परेचर बोल सकते हो उसको। तो ये तो आपसे फार्मूला पूछा था, फिर इसके बाद आपसे पूछा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अंतर पूछ रहा है, तो इसको मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें बताया हुआ हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए पीस ऑफ कॉपर रॉड इज डिप्ड इन 0.4 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के आपको बताना है कि कौन सा क्या मतलब इसमें रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होने का मतलब यहीं पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ये आपको दिया हुआ है, ई नॉट सी यू से सी यू टू प्लस, ये गलत दिया हुआ है, सी यू से सी यू टू प्लस नहीं सही है, यहाँ माइनस
0.34 दिया है, तो इसका चेंज होता है E नॉट CO2 प्लस CU, ये लिखा जाता है, तो ये प्लस 0.34 वोल्ट होता है। और दूसरा क्या है, E नॉट CR से CR 3 प्लस, ये दिया है 0.74 वोल्ट, जिसका जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा CR 3 प्लस से रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा जाता है, ये आपका आ जाएगा -0.74 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, इसके बेसिस पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो आपको 0.4 दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो आपको मूड बनाने के लिए दिया गया है कि इससे आप टेंशन में आ जाइए, नॉर्मलिटी मोलरिटी निकालना शुरू करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या बताना है, बस इसको देख के आपको बताना है कि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके बेसिस पे आप क्या बताओगे कि आपका जो कॉपर रॉड डिप्ड किया गया है सॉल्यूशन में क्रोमियम नाइट्रेट के, तो वो वहां पे आपका क्या मतलब क्या हैपन होगा कि आपका रिएक्शन इसमें क्या होगा। ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपका ये सीरीज होती है, या सीरीज बोल सकते हो, या इसी का आपका जो इसमें वैल्यू दिया होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि मतलब प्लस कॉपर का कितना होता है, क्रोमियम का कितना होता है, तो उसमें आप देखोगे तो इसकी जो कॉपर की है वो क्रोमियम से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो 0.74 है, इसका 0.34 है, तो 0.74 आपका ज्यादा है कंपेयर टू इसके कॉपर टू प्लस के, तो इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन को ये क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, या जैसे बोलते हैं कि मतलब ये कॉपर की जगह पे ये आपका स्थान ले लेगा, या जैसे होता है ना जो ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या करता है वही स्थान ले लेता है। स्टेबल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में कोई मतलब ज्यादा पढ़ा है कि मतलब वो ज्यादा मेहनत किया है, और जो कम मेहनत किया है तो कम मेहनत करने वाला थोड़ी ज्यादा नंबर पा जाएगा, लक बाय चांस कभी कभी अंधी लग जाती है, नहीं तो वो ज्यादा नहीं पा सकता, जो ज्यादा मेहनत किया होगा तो वो ज्यादा ही पाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ भी आपका उसी सेंस में बता रहा हूँ कि ज्यादा मेहनत का मतलब ये है कि अगर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो वो उस पर क्या करेगा, ज्यादा या भारी पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ना कि कोई मतलब उसको ले लो, रोनाल्डो को ले लो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और कोई सिंपल किसी एक ऐसे ही फुटबॉलर का नाम ले लो जो मतलब कभी उसका नाम नहीं आता है, तो हमेशा वो रोनाल्डो ज्यादा आएगा। जैसे आपका काउंटिंग में कर लिया गया कि वो गोल ज्यादा मारा है, तो गोल में देखोगे तो वो सबसे ज्यादा आ जाएगा, तो वही कंपेयर में यहाँ कर रहा हूँ, क्रोमियम का ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर का। तो इसमें लिखना क्या होगा, मैं उसको आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, या पेपर में आएगा तो आप अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप सर्च कर डालोगे, आप गूगल पे भी करोगे आपको नहीं मिलने वाला है, ये बहुत जगह बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन क्या बताना है, वो जाके बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो हमको भी बता दीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर इसमें लिखेंगे बी ऑब्जर्व दैट, बी ऑब्जर्व दैट, बी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे 0.34 वोल्ट लिख लीजिए, 0.34 इसी का है ना, कॉपर का ही, 0.34 वोल्ट इज, ये कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कितना है, इज लोअर है, लोअर देन द क्रोमियम सॉल्यूशन, लोअर देन द क्रोमियम
लोअर देन द क्रोमियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर देन द क्रोमियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कितना है 0.74 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है आपसे आगे आप क्या एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रो केमिकल टर्म में क्या होता है, सिंस चाहे आप लिख के लिखोगे या आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखो इन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल टर्म, इन इलेक्ट्रोकेमिकल टर्म द रिएक्शन विद द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द रिएक्शन विद द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फेवर्ड अकर, ठीक है, इतना आप लिख के आओगे, क्योंकि यहां पे आपको मेन आपका पॉइंट ये है, इन द रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल टर्म द रिएक्शन विद द हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फेवर्ड अकर, मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देगा या उसको उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, यही आपको बताना था। ठीक है, तो ये इतना आप लिखोगे इस वाले उसमें क्वेश्चन में, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था और एक ही बार अभी आया है, तो क्या पता आपके पेपर में अगर गलती से आ जाए कभी, आपके मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आपके जूनियर्स के पेपर में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर दी, ये भी नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन क्या, एक ये पॉइंट ही नया है, ग्लास चैप्टर का है, व्हाट आर दी मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैच, बैच बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को लिखिए, और दूसरा कह रहा है राइट द नेम ऑफ सॉल्ट ऑफ यूज्ड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेड कलर, ब्लैक कलर एंड येलो कलर। तो इसके इसका मतलब ये है कि लाल कलर और पीला कलर, अभी एक इलेक्ट्रिकल का लड़का है सत्येंद्र कर गया है, उसने क्वेश्चन भेजा हुआ था, उसको कंफ्यूजन ये है कि मतलब ये जो आपका
मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर में लिखना क्या है, तो मैन्युफैक्चर वाले में आपको क्या करना है, सॉल्ट का नाम लिखना है। ठीक है, सॉल्ट का नाम का मतलब जैसे जो आपको बताया गया है ना, एक गॉड प्रॉमिस ये बीबी ना होती तो हम राउडी राठौर होते, तो वही वाला आपको क्या करना है, उसी से आपके पेपर में पूछा जाता है ज्यादा करके। तो यहाँ भी आपके पेपर में पूछा हुआ है, राइट द नेम ऑफ सॉल्ट ऑफ यूज मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लैक ब्लैक एंड येलो ग्लास। इसके बारे में मतलब इसका जो वो होता है क्या बोलते हैं सॉल्ट, उसके बारे में लिखना है, सॉल्ट के बारे में नहीं, सॉल्ट का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बैच, बैच में जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैच, क्या क्या यूज होता है उसको भी बता दे रहा हूँ, मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैच। बैच बनाने की क्या कह रहा है, मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है उसको बताना है। तो इसमें जो मटेरियल आता है आपका, सैंड बोल सकते हो या क्वार्ट्ज बोल सकते हो, सैंड बालू बोलते हैं या क्वार्ट्ज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका होता है सैंड या मिक्सचर ऑफ फील्ड स्पार, या पहले आपका सिंपल लिखते हैं उसका, उसी का मिक्सचर बोला जाता है, फेल्ड स्पैटिक सैंड बोला जाता है, फेल्ड स्पैटिक सैंड, या इसी को फेल्ड स्पार, फेल्ड स्पार एंड सैंड का मिक्सचर होता है, या मिक्सचर आप ऐसे लिखो, मिक्सचर ऑफ फेल्ड स्पार एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ फेल्ड स्पार एंड सैंड। ठीक है, और क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज होता है और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 एंड NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये यूज होता है, इतना लिखोगे मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैच, ये हमको मटेरियल ये यूज करने से हमका हमारा क्या बनता है, बैच। फिर इसके बाद कह रहा है कौन कौन सा ग्लास है, कौन कौन सा वो है कलर है, रेड कलर के लिए कौन सा, या मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करके लिखते हैं, नेम ऑफ सॉल्ट यूज फॉर मैन्युफैक्चर, नेम ऑफ सॉल्ट नेम ऑफ सॉल्ट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसमें क्या है, रेड है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास लिखना था, ऑफ ग्लास, तो यहां पहले आपका क्या है, रेड है, उसमें ऐसे ही सिंपल दिया हुआ है रेड, फिर येलो, फिर आपका ब्लैक दिया हुआ है, तो ये बीबी ना होती, ये बीबी ना मतलब गॉड प्रॉमिस। ठीक है, गॉड प्रॉमिस ये बीबी ना होती तो हम राउडी राठौर होते, तो गॉड प्रॉमिस का मतलब, गॉड मतलब ग्रीन होता है, प्रॉमिस मतलब क्या होता है, पर्पल होता है, और ये गॉड प्रॉमिस हो गया, ये का मतलब येलो कलर होता है, बी का मतलब एक आपका ब्लू होता है, दूसरा आपका ब्लैक होता है। ठीक है, ये बीबी ना होती तो हम क्या होते, राउडी राठौर होते, राउडी राठौर का मतलब एक आपका रेड होता है, एक आपका रूबी कलर होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, येलो कलर के लिए YELLOW, येलो कलर के लिए क्या होता है आपका, कौन सा सॉल्ट, तो येलो कलर के लिए आपका सीधे आप बताइए, उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, सॉल्ट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3, या इसी को हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं,
और दूसरा क्या हो जाएगा, येलो हो गया, फिर ब्लैक, फिर रेड। ब्लैक वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक वाले में आपका निकिल होता है, निकिल ऑक्साइड, NiO, निकिल ऑक्साइड, और इसमें क्या होता है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, Cu2O बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, मतलब अब कलर कभी चेंज कर देगा, जरूरी नहीं है कि येलो ही यही देगा, लेकिन आता है हर बार, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड बस आपको तीन चार पेज का, एक पेज का है ये, तो एक पेज का ये सिंपल हो गया, फिर बाकी आपको पांच छह पेज में है, आप एक बार चाहोगे तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। पांच छह पेज का मतलब अगर इसमें लेक्चर वीडियो देखोगे तो वो एक घंटे का है, उसको आप 2x पे करके देख लीजिए, 2x पे करके देख लोगे एक बार, पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन 2x पे देखने का मतलब ये नहीं है कि आप देखे 2x के स्पीड में देख रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो 2x के स्पीड में, तो देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप एक बार नोट्स देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर तो वो नहीं समझ में आता तो फिर आप फिर से उसको देख लीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, ये सब बार बार पूछ रहा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। सोप एंड डिटर्जेंट में लास्ट में बताया गया है, बार बार पूछा है, तो आपको ऑप्शन रहेगा, अगर ये वाला अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप दूसरा वाला जो विक्टर मेयर टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो विक्टर मेयर वाले को ज्यादा वाले को अटेम्प्ट करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अभी कल वाले लेक्चर में विक्टर मेयर बताया हूँ, तो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार वही रिवीजन बार बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आज नेक्स्ट क्या बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ कह रहा है व्हाट आर पॉलीमर्स, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो PBC पूछा है, PMMA पूछा है, देखिएगा इसी में से आएगा आपके पेपर में, PBC, PMMA, PS का मतलब पॉलीस्टाइरीन, पता रहेगा तभी ना कर पाओगे PS का मतलब क्या होता है, ये दिया नहीं है, PS का मतलब पॉलीस्टाइरीन, कभी कभी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इसके बाद है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिर इसके बाद बैकेलाइट। तो आप देख रहे होंगे बैकेलाइट का एकदम समझ लीजिए सबसे ज्यादा भौकाल बैकेलाइट है, पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार ये आया है, पेपर में पूरे आप उठा के देखोगे सबसे ज्यादा बार पूछा गया, इसके बिना पेपर ही नहीं बन रहा है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये नाम दे के नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल, आप थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये बैकेलाइट ही होता है और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, तो उसका पूछ लिया आप टेंशन में आ जाओगे थर्मोसेटिंग होता है क्या है, तो गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसका यूज बताइए, तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए फिर उसके बाद इसका यूज बता दीजिए। तो पॉलीस्टाइरीन सबसे पहले PVC है, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब CH2CH, यहाँ CL लगा दो और यहाँ N लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा,
और पहले स्ट्रक्चर सबका बता दे रहे हैं, फिर इसका यूज आपको एक एक करके बताते चलेंगे। यूज अब लिखाएंगे नहीं, टाइम नहीं है, यूज नहीं लिखाएंगे, बस आपको बताएंगे कि इसका बनाया क्या जाता है। कई बार बताया गया है यहाँ पीएमएमए, पीएमएमए का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, CH2 CCH3, यहाँ क्या हो जाएगा CO OCH3, ये आपका क्या होता है N यहाँ लगा दो, तो ये पीएमएमए का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है तीसरा पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, बेंजीन रिंग लगाइए उसके साथ में CH CH2 और यहाँ पे N लगा दीजिए और यहाँ बेंजीन रिंग बना दीजिए। ये पॉलीस्टाइरीन का, थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि OCH3, ये पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाएगा CH2NH CO NH CH2 और यहाँ N, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया। फिर लास्ट में बैकेलाइड, बैकेलाइड का तो आपको रट गया होगा, हमको भी रट गया, मैं तो आंख अगर बंद करके भी लिखूंगा तब भी लिख ले जाऊंगा CH2 CH2 OH, इसको थोड़ा ऊपर से लिखूं नहीं तो आएगा नहीं नीचे। CH2 यहाँ क्या करिए CH2 लगाइए, बेंजीन रिंग लिखिए OH CH2 बेंजीन रिंग OH, ये नीचे तक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। फिर इसके बाद CH2 OH, फिर यहाँ क्या करिए CH2 यहाँ N लगा दीजिए और इसको आर्थो पोजीशन पे CH2 को जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो गया, बैकेलाइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल लिखने का मतलब इसका क्या क्या यूज होता है, एग्जांपल नहीं यूज लिखना है, यूज का मतलब प्रयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला आपका है पीवीसी था ना, तो पीवीसी का जो यूज होता है वो सोल बनाने के लिए यूज होता है। सोल बनाने का मतलब जो आप जूता पहनते हो, ठीक है, तो वो टू मेक द सोज शूज सोल, ठीक है, या सोल आप शूज हो जाएगा, या सेफ्टी हेलमेट आप देखते होगे जो आप क्या बोलते हैं बाइक चलाते हो तो बाइक का जो हेलमेट होता है, हेलमेट के अंदर आप देखते होगे एक फाइबर का टाइप का लगा रहता है, वो देखते होगे ऐसे प्रेस करने पे वो ऐसे होने लगता है, तो वो वाला क्या है, वो पीवीसी से बनाया जाता है, उसके अंदर लगा रहता है सेफ्टी के लिए कि आपको चोट ना लगे। चोट ना लगने का मतलब अगर वैसे ही डायरेक्ट आपको हेलमेट पहना दिया जाएगा केवल ऐसे पत्थर जैसे पहना के और गिरोगे तो सिर टूट जाएगा और खून निकलने लगेगा, तो वो चीज ना निकले इसके लिए उसी में सेफ्टी लगाया जाता है, अंदर ऐसा चीज लगा दिया जाता है कि आपको चोट ना लगे। हेलमेट का मतलब ही वही रह जाएगा, अगर आप हेलमेट पहन के भी चोट लग जा रही तो हेलमेट का मतलब क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये हेलमेट में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, और दूसरा आपका
सूज का सोल बनाया जाता है, दूसरा क्या है पीएमएम में। तो पीएमएम में जो होता है उसका यूज किस में होता है, ग्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए या सब्सिट्यूट बनाया जाता है, सब्सिट्यूट आप ग्लास प्रोडक्ट या बोल सकते हो एयरक्राफ्ट कैनोपीज। एयरक्राफ्ट कैनोपीज का मतलब जो आप उसमें देखते हो जो क्या बोलते हैं हवाई जहाज होती है, हवाई जहाज में देखते हो जो उसके पंख वगैरह रहते हैं, पंख में भी देखते हो फाइबर के कुछ ऐसे चीज पार्ट लगे रहते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। या फिर जो बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, आप आईपीएल वगैरह देखते हो या आपका वर्ल्ड कप आता है जो भी, तो देखते हो बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती है, तो लाइट जिसमें फिट होता है उस वो भी आपका क्या होता है, इसी का होता है, पीएमएम में का ही होता है, ठीक है। और इसका शटर प्रूफ विंडोज में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा है पीएमएम में हो गया पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो आप फूड सर्विसेज में आप रिजिड या देखते हो रेलवे विभाग में आप जाते हो, सबसे बड़ी बात सबसे अच्छा यही है, आप वंदे भारत में जाइए, अभी नई नई चली हुई है लखनऊ से गोरखपुर, तो लखनऊ से गोरखपुर वाले में अगर आप बैठोगे या कहीं से भी आप बैठना चाहते, बनारस से भी दिल्ली के लिए है तो उस पर भी बैठ सकते हो। तो उस वाले में क्या लगा होता है, अंदर जो आपका खाने पीने की व्यवस्था होती है तो उसमें जो बढ़िया अच्छे अच्छे या अच्छे होटल में आप चले जाइए तो जो आपके सर्व करने वाले आते हैं वो होटल में, उनको क्या बोला जाता है, नाम नहीं याद आ रहा है, जो सर्व करते हैं मतलब बांटते हैं, या वेटर बोला जाता है, वेटर जो लेके आते हैं जिस थाली में लेके आते हैं या जिस उसको बोला जाता है, थाली नहीं कुछ और बोलते हैं उसको, प्लेट बोला जाता है, उस प्लेट को हम लोग, वो प्लेट जो होता है वो किससे बना होता है, पॉलीस्टाइरीन से बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है लास्ट है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड वाले में क्या करना होगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसके बाद बैकेलाइट है। तो बैकेलाइट वाले का तो आपको पहले से ही पता है, बार बार उसी को लिखवाया हूं। बैकेलाइट वाले में आप क्या यूज करते हो, बटन बनाने के लिए यूज किया जाता है बैकेलाइट में, ठीक है। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड वाला जो आपका होता है या यूएफ बोलते हो उसको, तो यूएफ वाले का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बोला था ना आपको, बताया था प्रोटेक्टिव कोटिंग स्ट्रांग फाइबर, या मार्केट में आप जब देखते हो बाउल वगैरह या कटोरा वगैरह आप देखते हो उसमें ऐसे बना रहता है बढ़िया स्टाइल में, तो उसमें कोटिंग किया रहता है, तो वो उस तरह का जो बाउल होता है वो आपका किसका बना होता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का। और बट ये बैकेलाइट वाला था, बैकेलाइट वाले में आपका क्या है, बटन्स बनाने के लिए होता है, या फिर आपके जो इसके टिप टॉप वाला बटन होता है, आप जैसे फैन में लगा है या फिर बोर्ड में लगा है, ठीक है, तो वो वाला आपका क्या होता है, बैकेलाइट से बनता है। तो ये आपका हो गया है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं और इसी में से देखिएगा आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन क्या, बैकेलाइट तो हमको लगता है बैकेलाइट आएगा ही आएगा, पीएमएम में भी आ सकता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और भी इससे रिलेटेड, क्योंकि ये कन्फर्म है आना इनका, मतलब एक स्ट्रक्चर दे देगा और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसका यूज बताना है, तो वो जरूर आता रहता है, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जल्दी से इसको नोट करिए, हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर ट्रीटमेंट से है। आप लोग देखिए वाटर ट्रीटमेंट से वो सब भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, जो सोडा लाइम वाला न्यूमेरिकल है, सोडा लाइम वाला न्यूमेरिकल भी एक बार देख लीजिएगा, जाते जाते देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद बाकी और आप जितना आपको पढ़ाया गया उसको तो आप देख के जाओगे एक बार। जैसे मान लीजिए नहीं ध्यान है तो अभी बोल दे रहा हूँ, तो शायद इसको इस वीडियो को देखने के बाद आप गलती से देख लो, मान लीजिए आ गया तो कम से कम गलती से आप कर ले जाइए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पिछले बार का रिकॉर्ड रहा है जब मैं बोलता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा, लोग हल्के में ले रहे थे, और आ गया था 2022 वाला ही सेम पेपर रिपीट कर गया था, तो इस बार नहीं रिपीट होगा, परेशान ना होइए,
लेकिन आप एक बार जरूर प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा गलती से। चलिए ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब द आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट, वाटर सॉफ्टेनिंग। इसमें क्या करना है, कठोर जल को मृदु जल करने में आयन विनिमय विधि का वर्णन करना है। आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस में एक कटायन का होता है, एक एनायन का होता है, तो उसी के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। और फिगर बना दीजिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन हो बिना फिगर के आप मत जाइएगा। अगर बिना फिगर के पहुंच गए तो फिर समझ लीजिए नंबर कटना ही कटना है, फिगर पे आपका नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है 50 लीटर ऑफ ए वाटर सैंपल कंटेन 19 ग्राम ऑफ MgCl2, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन डिग्री फ्रेंच, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट करोगे आंसर नहीं आएगा। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन पे पूछा है कि सर ये कैसे लगेगा, तो मैं उसी इस दिन का इंतजार कर रहा था कि ये वो दिन आए कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराऊं, तो आज ये दिन आ गया है। कह रहा है आपको हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना है, तो DOD मतलब DOD नहीं DOH डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस होता क्या है, DOH इक्वल्स टू मास ऑफ HPS इंटू MW ऑफ CaCO3 अपान MW ऑफ HPS। तो इसके पहले आप देखेंगे एक वीडियो अपलोड हुआ होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन था, पहले उसको हमने अपलोड किया था, फिर डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद अपलोड किया हूँ, इसलिए अपलोड किया हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, उसको ध्यान नहीं दिया गया था, इसी वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ बता दिया गया था, तो उसको सही कर दिया गया है। तो उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप उसको जरूर देख के जाइएगा। DOH अब यहाँ देखिए आपको क्या कह रहा है, ये ग्राम में दिया है। पहला नंबर जो आप डिग्री ऑफ हार्डनेस देखते हो वो Mg पर लीटर में आता है, Mg पर लीटर इक्वल्स टू PPM होता है, ठीक है। तो PPM अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ आपको ग्राम में दिया है, तो इसको आप सबसे पहला काम क्या करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। मिलीग्राम में चेंज करने के बाद तब इसको आप रखिएगा। आपसे पूछा है क्या हार्डनेस ऑफ वाटर, किस में पूछा है, डिग्री फ्रेंच में। तो DOH यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा 19 ग्राम दिया है, 19 ग्राम दिया है, तो 19 गुणे 1000 ये किस में आया, Mg में आ गया। मॉलिकुलर वेट ये CaCO3 का 100 हो गया, HPS का कितना हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट है क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो MgCl2 का क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ, MgCl2 का Mg क्या हो जाएगा आपका 12 × 2 प्लस 35.5 गुड़े 2, तो ये आपका आ जाएगा 95 आएगा। तो यहाँ आप क्या करोगे 95 पुट करोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का मतलब ये क्या आ गया, यहाँ 19 से 95 कट गया, 19 × 95 ये आपका कितना आया 1000, और 5 है 5 × 5 20 × 5 100, ये आपका क्या आ गया 20 और 30 ये आ गया 20000, ठीक है। ये 20000 कितना आया, ये 1 लीटर का आया। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है ये 1 लीटर का आपका आया है, जो क्योंकि आप आपका जो हार्डनेस ऑफ वाटर जो आता है डिग्री ऑफ हार्डनेस ये Mg पर लीटर आता है, जैसे ये आप डिग्री ऑफ हार्डनेस जो भी आएगा ये आपका क्या आया है DOH PPM आया है, या बोल सकते हो Mg आया है, पर लीटर आया है, 1 लीटर की बात किया जा रहा है, तो 1 लीटर का मतलब ये इतना आया है आपका PPM हार्डनेस आया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 50 लीटर की बात कर रहा है, तो 50 लीटर का मतलब ये 1 लीटर का था, अगर आप 50 लीटर करोगे तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा DOH ऑफ
लीटर वाटर, 50 लीटर, ये क्या हो जाएगा 1000 × 50, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20 है ना, 5 × 10 ये हो गया 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब निकालते हो 0.1 ग्राम का रहता है, तो 1 ग्राम में 1000-2000 ppm आता है जब आपका, तो ये सोचिए 19 ग्राम है, ठीक है, 19 ग्राम है, तो 19 ग्राम का है, और 50 लीटर का पूछ रहा है, तो वो और 1 लीटर का जब वो पूछ रहा है, और लीटर में इतना आता है, तो ये 50 लीटर का बोल रहा है, तो 50 लीटर का और आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ppm आया है। अब इसका क्या निकालना है, डिग्री फ्रेंच में DOH इन डिग्री FR फ्रेंच, तो ये क्या हो जाएगा, इसी में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये डिग्री फ्रेंच, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, चाहे आप लिख लीजिए डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये आपका आंसर इतना आ जाएगा, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, मिटाए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। इसके बाद का मतलब इसके बाद जो है, देखिए कह रहा है आपसे, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है, कह रहा है ग्लिसराल एंड हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के द्वारा बने विस्फोटक के बारे में लिखिए, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का मतलब आपका कौन सा हो गया है, कौन सा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, जो आपको वो बताया गया था डायनामाइट, नहीं डायनामाइट नहीं, हेक्सामेथिलीन और क्या बोला है, ग्लिसराल,
हेक्सामेथिलीन और ग्लिसराल के साथ कौन कौन सा बनाया गया है, एक्सप्लोसिव फॉर्म किया गया है? एक तो आपका ये हो जाएगा ग्लिसराल वाला डायनामाइट है, और दूसरा आपका क्या है, आरडीएक्स है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है, तो उसको आप आरडीएक्स के बारे में आपको बताया गया है, तो आपसे पूछ लिया है, तो उस तरह आप कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए हेक्सामेथिलीन, अब आपको जब नाम पता रहेगा तभी ना आप कर पाओगे। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का उसका जो आपको बनाना है या उस वाले से आप बनाओगे तो आपका क्या बनेगा, आरडीएक्स बनेगा। और जो ग्लिसराल से आप बनाते हो, नाइट्रेशन कराते हैं ग्लिसराल से, तो इसमें क्या बनाता है आपका, आपका डायनामाइट बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया, घुमाने का मतलब आपको लैंग्वेज में बोल दिया है, ऐसे बोल देता है कि आरडीएक्स का स्ट्रक्चर बनाइए, उसका यूज बताइए। यहाँ पे ये ना बोल के आपको डायरेक्ट घुमा दिया है कि इसके बारे में बताइए, ये किससे, ग्लिसराल और हेक्सामेथिलीन से बने विस्फोटक के बारे में बताना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका फिर से कह रहा है, राइट द वाटर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पूछ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, राइट अबाउट द कैल्शियम सुपरफास्फेट, डीडीटी एंड मेलाथियन। तो ये डीडीटी और कैल्शियम सुपरफास्फेट के बारे में और मेलाथियन के बारे में लिखना है। डीडीटी तो आपको बताया ही गया है कई बार कि आपके पेपर में आ सकता है डीडीटी वाला, और फिर उसके बाद मेलाथियन और कैल्शियम सुपरफास्फेट अभी कल वाली क्लास में बताया गया है, ठीक है। तो आपको केवल इसका मेलाथियन वाला आपको बता दिया जा रहा है। तो मेलाथियन वाले में स्ट्रक्चर क्या लिखना होगा, पहले मेलाथियन क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो सब्जी वगैरह के खेतों में देखते हो कीड़े मकौड़े आ जाते हैं, तो कीड़े मकौड़े आते हैं तो आप, बहुत लोग उसको कुछ और नाम से जानते हैं, मेलाथियन बोला जाता है, ठीक है, और इसमें लिखने के हिसाब से मेलाथियन बोला जाएगा, मेलाथियन बोलते हैं। तो वो येलो कलर का पाउडर टाइप का आता है, उसको छीट देते हैं, जैसे आप देख लीजिए इसका बैगन के पेड़ पे रहता है, उस पर कीड़े मकौड़े लग जाते हैं, या खेतों में आप देखते हो और भी सब्जियों की खेती होती है तो उसमें क्या आता है, कीड़े आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मेलाथियन छींटते हैं। तो छींटने के बाद उसमें जो कीड़े रहते हैं वो या तो मर जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। तो मेलाथियन वाला बता दे रहे हैं, बाकी और दोनों आपको, एक आपको कल बताया गया था और एक दूसरा वाला जो आपका है वो डीडीटी, वो आपको बताया गया है पहले ही। डीडीटी का मतलब वो आपका आरडीएक्स वगैरह वाला नहीं है, डीडीटी डाई क्लोरो डाई फेरिल टेट्रा इथेन करके जो आपको बताया था, इंसेक्टिसाइड वाला है यार, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। उन दोनों में से एक आपको करना होगा, तो डीडीटी वाला आपका, या डीडीटी के नाम से रहेगा या फिर हेलोजिनेटेड के नाम, हेलोजिनेटेड डीडीटी के नाम से रहेगा। तो यहां पहले आपको मेलाथियन वाला बता रहा हूं, इसमें क्या लिखेंगे आप, इट इज मेड बाय, या मेलाथियन मेड बाय आर्गेनोसल्फेट आर्गेनोफास्फेट इंसेक्टिसाइड, इट इज मैन मेड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड कॉमनली यूज टू control mosquitoes, mosquitoes, insect insects that attack vegetable
वेजिटेबल एंड फ्रूट ईटीसी। ठीक है, फ्रूट पे और इस पे सब्जियों पे ये अटैक करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है इसका। ठीक पी डबल बॉन्ड एस ओ सी एस थ्री। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ये आपका मैलाथियन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको ये याद रहे या ना याद रहे, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये जरूर लिख दीजिएगा। और लिख देंगे तो और अच्छी बात है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। मान लीजिए गलती से आ गया तो फिर कम से कम आप कर ले जाइए। नेक्स्ट इसी का है, DDT, डाई क्लोरो DDT, या इसको हैलोजिनेटेड DDT के नाम से आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C2H5C6H5Cl, 2 टाइम C6H5Cl प्लस CCl3CHO, CCl3CHO इससे रिएक्शन कराएंगे। यहाँ एक सीएल डाई क्लोरो डाई फेनिल टेट्रा CCl3 डाई क्लोरो CHCl3 होगा, वहां CCl नहीं हुआ। 1 2 3 और 1 4 सही तो है। और दूसरा यहाँ पे एक ये है, एक कार्बन यहाँ कंप्लीट नहीं है, जैसे आप यहाँ पे शो नहीं किया जाता है, या अगर यहाँ लिखोगे कार्बन लिखोगे तो यहाँ CH हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाई क्लोरो डाई फेनिल टेट्रा क्लोरो इथेन। ऐसे देखो, डाई क्लोरो डाई फेनिल टेट्राक्लोरो ट्राई क्लोरो, टेट्रा नहीं, तीन है, तीन कार्बन का मतलब ट्राई होता है, ट्राई क्लोरो मेथ एथ। ठीक है, इथेन, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये हमारा हो गया DDT। इसका क्या यूज करते हैं, हम लोग छिड़काव के लिए यूज करते हैं। जैसे आप DDT यूज करते हो उसमें छिड़कने के लिए, तो उसमें फ्लाइज मॉस्किटो और बिग बैग बड़े कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आपका कौन सा था, एक लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा था, मैलाथियन था, कौन सा क्या है उसमें, कैल्शियम फास्फेट है। तो कैल्शियम फास्फेट वाले में हम लोग क्या लिखे थे कल वाले क्लास में, कैल्शियम सुपर फास्फेट और सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम फास्फेट यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला चाहे लिख देते हैं, कैल्शियम फास्फेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 का ट्वाइस, Ca3PO4 का ट्वाइस। अब देखिए, इसकी बैलेंसी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास, फास्फेट जो होता है 3- होता है, कैल्शियम 2+ होता है, तो उसकी बैलेंसी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये कैल्शियम फास्फेट हो गया है। ये क्या करता है, उसको बढ़ाने, कोई भी आपका फसल है उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट
या उत्पादकता बोल सकते हो, उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है, क्या किया जाता है, कैल्शियम फास्फेट का यूज किया जाता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो बताया गया है, ये नहीं बताया गया था, तो ये आपको बता दिया गया है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस चैप्टर से है, कैलोरीफिक वैल्यू से है, न्यूमेरिकल लगाना है, जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला बोल रहा है डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम वाला आपको बताया गया है शुरू में ही, फ्यूल चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा, या हो सकता पहले लेक्चर में, हाँ पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट, कार्बन इक्वल्स टू 92%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3%, ऑक्सीजन इक्वल्स टू, ये कई दो तीन बार आया है ये पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है यही आएगा, नहीं फिर आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड आ सकता है आपके पेपर में, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला भी न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब उसमें आपको क्या दिया रहता है, कूलिंग करेक्शन वाला, ज़्यादा करके वो कूलिंग करेक्शन वाला पूछा जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, देखिए कह रहा है कार्बन इक्वल्स टू 92%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3%, फिर ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2%, नाइट्रोजन इक्वल्स टू 1%, आईएस इक्वल्स टू 2%, और आपको दिया है लेटेंट हीट। ये दिया 600 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बस इसको सॉल्व करना है, जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आंसर मुझे लगता है बहुत लोगों को रटा हुआ होगा, क्योंकि इसको क्लास में भी कई बार बताया गया है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुलांग्स फॉर्मूला से करेंगे, फ्रॉम डुलांग्स फॉर्मूला, ये हो जाएगा कार्बन, सीधे आप लिखिए HCV इक्वल्स टू 1/100 8080 इंटू कार्बन प्लस 34,500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपान 8 प्लस 2240 गुड़े एस सल्फर। अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाइए, 100 अपान 8080 इंटू 92 प्लस 34,500, ऑक्सीजन कितना दिया है, हाइड्रोजन कितना दिया है 3 माइनस 2/8 प्लस, सल्फर नहीं दिया है तो उसकी जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ 2240 गुणे 0 1/100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 74,33,60 प्लस, इसको सॉल्व करोगे 34,500 8 3 24 माइनस 2 22/8 प्लस 0, ये आपका आ जाएगा 1/100 74,33,60 प्लस, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा
94,875, ये पूरा सॉल्व करोगे 94,875 पूरा ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 82.35 1/100 इंटू 83.35। तो ये 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 83.35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, एससीबी आया। एलसीबी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीबी इक्वल टू एससीबी माइनस 9/100 इंटू एच। कहीं कहीं आप देखेंगे 9/100 इंटू एच लिखा है या 0.09 लिखा है, तो इसी 100 से डिवाइड करके वो 0.09 लिखा है, परेशान मत होइएगा। इंटू लेटेंट हीट, ये आपका क्या आ जाएगा 82.35 -9/100 इंटू एच कितना दिया है 3 दिया है और लेटेंट हीट कितना दिया है 600। ये 0 0 ये कैंसिल हो गया, 6 3 18 9 162 82.35 -162 तो ये आपका आ जाएगा 82.20 आएगा, 0.35 आएगा, 82.20.35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ये एलसीबी आया है। देखिए एलसीबी बोला जाता है या एनसीबी, एलसीबी का मतलब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या एनसीबी का मतलब नेट कैलोरीफिक वैल्यू, और एससीबी हायर कैलोरीफिक वैल्यू या जीसीबी लिखा रहता है, जेसीबी नहीं, जेसीबी वो खुदाई करने वाला नहीं, जीसीबी मतलब ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, अगर टाइम मिल जाएगा तो, ये टाइम क्या, टाइम बचा भी नहीं है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन का बना दूंगा, वैसे एक बनाया हुआ हूँ, बीच में किसी पेपर में कराया हूँ, याद नहीं है तो वैसे अलग से करा देता, लेकिन अब देख लीजिएगा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी आपका टाइम है और मेरा भी अब टाइम बचा नहीं है इसमें, क्योंकि आपको और चीज़ें भी रिविजन करना है, अगर मिल जाता है तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे मार्क्स पाइएगा, पाने के लिए कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रसायन एकेडमी आपका अच्छे से स्वागत करेगी, स्वागत करने का मतलब अच्छे अच्छे रैंक जिनकी आई रहेगी उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार के तौर पर आपको रसायन एकेडमी, जो ये हमने टी शर्ट पहनी है और ये आपका पीछे लोगो रहेगा, जहां आप जाएंगे आधे लोग, आधे क्या बहुत लोग आपको देखेंगे कि हाँ ये कौन सी एकेडमी है, तो आप गर्व से बोल पाओ कि रसायंस एकेडमी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और आप प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन वगैरह ना छूटे, ना छूटने का मतलब ये है कि आप तभी नहीं छूटेगा जब आपकी स्पीड रहेगी, स्पीड में ही करिएगा स्लो, और एक काम करिएगा आप लोग घड़ी लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि घड़ी ना ले जाने की वजह से एक अभी आपका जो फर्स्ट सेम में सबसे पहले जो मतलब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक अभिषेक तिवारी नाम का लड़का है, वो भी टॉपर है, थर्ड टॉपर था, 139 या 140 नंबर था उसका, 139 नंबर था 160 में, 139 मतलब थर्ड टॉपर था, आप लोग जानते ही हैं। तो उसने क्या किया, उसको जैसे उस दिन क्या हुआ था, मैंने भी ये चीज़ फील किया था कि उस दिन बेल नहीं लगी थी, तो उससे क्या हुआ पता नहीं चल पाया बच्चे को कि बेल नहीं लगा, तो जब बेल नहीं लगेगा तो आपको दिक्कत तो हो ही जाएगा, कि मतलब जैसे 2 घंटे का बेल लगता है, एक घंटे पे लगेगा, फिर एक घंटे पे 10 मिनट पहले आपके पेपर के, तो वो जो दूसरी घंटी डायरेक्ट लगी है, पहली घंटी लगी ही नहीं, तो उससे क्या हुआ कि उसको लगा कि अभी एक ही घंटी हुई है, तो अब आराम से लिख रहा था, तो 35-36 नंबर करने के बावजूद वो वहां तक पहुंचे, 35-36 किया था तो 35-36 पाया था, ये नहीं कि जैसे
आप 50 करके आते हो, 30 नंबर 20 नंबर ऐसे पाते हो, तो आप जो कंटेंट लिखोगे उसके ऊपर नंबर मिलता है। कंटेंट अच्छा लिखोगे नंबर अच्छा मिलेगा। तो उसने 35 नंबर ही किया था, 34 नंबर उसको मिला था, एक नंबर कहीं कट गया होगा। तो 35 करने पे 34 मिल रहा है, तो अगर वो पूरा अटेम्प्ट करके आया होता तो मुझे लगता है कम से कम वो 148-150 नंबर पा जाता आराम से, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा था, पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और अभी भी रिकॉर्ड है, ओवरऑल मैकेनिकल का टॉपर है। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आइए। थैंक यू।